नमस्कार दोस्तों, SVS चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विंडोज़ 10 प्रो के स्टार्ट मेनू के बारे में कि आपको उसमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने विंडोज़ 10 प्रो पर दो वीडियोज़ और बनाए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये हो सकता है विंडोज़ 10 प्रो का आखिरी वीडियो हो, क्योंकि इसमें जो चेंजेस है वो हमने पहले के वीडियोस में कवर कर लिए हैं और स्टार्ट मेनू के संबंध में आज कवर कर लेंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे चलाते हैं, तो उसके लिए हमने विंडोज़ 7 पर वीडियोस पहले बना लिए हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियोज़ देख लें। उसके बाद आप विंडोज़ 10 प्रो भी चला पाएंगे और जो चेंजेस है ये वीडियो आप देख लें, 2-3 वीडियो, उसके बाद वो भी आपको पता चल जाएगा और यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये नीचे आइकन दिखता है खिड़की का, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट मेनू खुल जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर आप पिक्चर दिख रहा है ये एडमिन पिक्चर होता है। विंडोज़ 7 में आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये एडमिन अकाउंट की सेटिंग मिल जाती है। उसमें आप अपने अकाउंट के पासवर्ड डाल सकते हैं और अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं, नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें इसमें भी आपको वो सेटिंग्स मिल जाएगी। अगर ये सेटिंग्स कैसे वर्क करती है जानना चाहते हैं तो विंडोज़ 7 का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ये सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके यहाँ पर लगा देता है। उसके बाद अपन इधर राइट हैंड साइड में चलते हैं, यहाँ पर आपको ये पूरी विंडो मिलती है, ठीक है ना। अब चलिए इसके ऊपर देखते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर अगर क्लिक माउस पॉइंटर ले जाके इसको खींचते हैं ऊपर, तो ये विंडो बड़ी हो जाती है, ये ऐसे छोटी भी हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखते हैं, अगर आप ज़्यादा ये ऐप्स इसमें ऐड करते हैं, इस स्क्रॉल की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस आइकन पर अपना माउस पॉइंटर ला के राइट क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं, आप देख सकते हैं कि अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू आता है, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से ये आइकन हट जाएंगे, जैसे देख सकते हैं ऐसे ये हट जाते हैं। उसके बाद अगर आप इनको बड़ा करना चाहें, जैसे कि इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर रीसाइज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग साइज मिल जाएगी। जैसे लार्ज पर क्लिक करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे मीडियम पर क्लिक करते हैं तो मीडियम हो जाता है, स्मॉल पर क्लिक करते हैं तो ये स्मॉल हो जाता है। और इसको हम ऐसे खींच के कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, इनकी साइज़ के हिसाब से ड्रैग करके, यानी कि फर्स्ट बटन माउस का दबा के और खींचना है और वहाँ पर ले जाकर छोड़ना है जहाँ पर आप छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऐड करना है, जैसे हटाना तो हमने जान लिया, अब ऐड कैसे कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कैलकुलेटर, अगर इसको मुझे ऐड करना है इधर तो राइट क्लिक करूंगा और पिन टू स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट टास्क बार नहीं स्टार्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कैलकुलेटर यहाँ पर नीचे आ गया। अब जैसे मेरे को ऊपर ले जाना है तो मैं खींच के यहाँ पर ला सकता हूँ, इसकी साइज छोटी बड़ी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है ना। देख सकते हैं अगर मैं लार्ज करना चाहूँ लार्ज कर सकता हूँ। और यहाँ पर नीचे आप ये देख सकते हैं पिन टू टास्क बार, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे टास्क बार में ये ऐड हो जाएगा कैलकुलेटर, तो ठीक है ना, ये ऐसे इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखते हैं, नीचे आप देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ये है अपने कंप्यूटर विंडोज 7 में जो माई कंप्यूटर होता है, इसमें फाइल एक्सप्लोरर है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने माई कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएंगे। उसमें माई कंप्यूटर होता है, इसमें दिस पीसी होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सिंपली आपकी जो ड्राइव्स होंगी वो आ जाएगी। उसके बाद ये देख सकते हैं जैसे विंडोज 7 में डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक वगैरह होता है, वो सारे आ जाते हैं। नीचे आपको वापस ड्राइव्स मिल जाती है, जैसे ये ड्राइव्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं,
विंडोज 7 हर कंप्यूटर में ड्राइव सेम होती है, आप वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आगे की प्रोसेस जो है मैंने विंडोज 7 में बता दी, कैसे फोल्डर बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम बैक चलते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ से विंडो। उसके बाद आपको सेटिंग्स मिलती है जो कि विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है ना। आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको कंट्रोल पैनल पूरा मिल जाता है। अब जैसे आप घड़ी से संबंधित यहाँ पे ये सिस्टम मिल गया, इंटरनेट ऑप्शन होता है इसमें, नेटवर्क एंड इंटरनेट होता है, पर्सनलाइज होता है जो कि बैकग्राउंड से संबंधित होता है, अकाउंट डिवाइसेस में ब्लूटूथ वगैरह ये आ गए आप देख सकते हैं। और एक इसमें ये ऑप्शन मिलता है आप जो सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च करते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड फीचर्स। तो ये देख सकते हैं सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट सेटिंग आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे ले सकते हैं यहां से सेटिंग। तो आप डायरेक्ट यहां पे नाम लिख के भी सेटिंग पर जा सकते हैं, या फिर ये फोल्डर्स को ओपन करके ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे ये पावर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को चालू बंद रीस्टार्ट वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं। उसके बाद ऑल एप्स, और विंडोज 7 में होता है ऑल प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है ना। तो ऑल एप्स पर आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी एप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं सॉफ्टवेयर, वो सारे आ जाते हैं। अब इनको एक्सेस करने का क्या तरीका है, आप या तो इसको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके भी आप पहुंच सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, ठीक है ना, या फिर आप ये जैसे ए है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी ABCD जो अल्फाबेटिव होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो भी आपके सॉफ्टवेयर का नाम है, जैसे सी पे आता है, डी पे आता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप सी पर पहुंच जाएंगे। वापस सी पे किया, टी पे करना है तो आप टी पर ये पहुंच जाएंगे। ऐसे आप पहुंच सकते हैं और इनका आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल प्रोग्राम्स का, और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर और फोल्डर्स ऐड करने की, ठीक है ना। जैसे कि हम ऐड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स, है ना, म्यूजिक वगैरह, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है स्टार्ट मेनू सेटिंग, तो आप ये देख सकते हैं सिंपली फर्स्ट में आ गया स्टार्ट सेटिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्टार्ट मेनू के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां पर इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो एप्स यहां पर है ये इनको हटाना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग आपको यहां पर मिलती है। उसके बाद जो भी फोल्डर आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट पे मैं ऑन करता हूं तो इधर ये डॉक्यूमेंट शो हो गया। तो दोस्तों ये है स्टार्ट मेनू का कुछ यूज़, आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कैसे चलाते हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी पहले विंडोज 7 के वीडियोस बना लिए थे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके उसे देख लें और आप सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।